करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है कि किसी एरिल हैलाइड का एल्किल हैलाइड अणु से शुष्क ईथर में सोडियम की उपस्थिति में संयोग कराना है। कहने का मतलब आपको एक एरिल हैलाइड लेना है और दूसरा एल्किल हैलाइड लेना है, और दोनों की रिएक्शन आपको करानी है सोडियम के साथ। तो जब सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जो आपका कंपाउंड बनेगा या जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनेगा उसी को हम यहाँ पर बनाएंगे, और बनाने के लिए आपको क्या करना है वही आप यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक एरोमेटिक हैलाइड लेंगे जो कि आपका क्या होगा एरिल हैलाइड यहाँ पर। तो ये आपका हो जाएगा ए आर एक्स। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका है एरिल हैलाइड। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं एरिल हैलाइड। ठीक है, तो ये हो गया आपका एरिल हैलाइड। अब इसमें आप क्या करेंगे, रिएक्शन दिखाने के लिए आपको सोडियम भी लेना पड़ेगा, तो 2 मोल आपको सोडियम के लेने हैं। ठीक, और इसके बाद में दूसरा यहाँ पर आपको लेना है एल्किल हैलाइड। तो ये आपका क्या है, एल्किल हैलाइड है। तो हम यहाँ पर 1 मोल एल्किल हैलाइड का और 1 मोल एरिल हैलाइड का ले रहे हैं। ठीक है, और रिएक्शन आप यहाँ पर भी क्या कराएंगे, ईथर की उपस्थिति में कराएंगे। तो मतलब प्रेजेंस में आपको क्या रखना है, ईथर रखना है। ठीक, तो हमारे पास में जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ए आर और यहाँ पर आर। ठीक है, तो ये आपका मेन प्रोडक्ट बनेगा प्लस 2NaX। तो ये हो जाएगा आपका इसमें को प्रोडक्ट। तो ये आपका हो जाएगा मेन प्रोडक्ट, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के तौर पर जान सकते हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया है, ARX मतलब एरिल हैलाइड लिया गया है, और ये आपका क्या है, तो ये आपका एल्किल हैलाइड है। ठीक है, तो 1 मोल एरिल हैलाइड का और 1 मोल एल्किल हैलाइड का लेंगे। ठीक है, और रिएक्शन यहाँ पर भी सोडियम के प्रेजेंस में होगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ सिमिलर है उर्ज रिएक्शन का डिटेल उर्ज फिटिंग रिएक्शन से। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा AR सिंगल बॉन्ड R, ये मेन प्रोडक्ट, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कॉमन है और यहाँ पर भी कॉमन है। ठीक है, और यहाँ पर R सिंगल बॉन्ड R डैश है, यहाँ पर AR सिंगल बॉन्ड R है। तो कहने का मतलब यहाँ पर 2 मोल RX थे, यहाँ पर ARX और ये आपका RX। तो जितना यहाँ पर चेंज है बस उतना ही यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ तो चेंज ही नहीं है, तो वो आपका यहाँ पर देख सकते हैं सिमिलर है। तो कहने का मतलब दोनों रिएक्शन लगभग मिलती जुलती हैं, बाकी देख सकते हैं प्रेजेंस में सेम है, और यहाँ पर जिसके साथ रिएक्शन कराई जा रही यानी कि सोडियम वो भी कॉमन है। ठीक है, तो दोनों रिएक्शन लगभग एक दूसरे से मिलती जुलती हैं और कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए उर्ज रिएक्शन क्या है तो आप इसका डिटेल बताएंगे, और अगर आपसे पूछ लिया जाए उर्ज फिटिंग रिएक्शन क्या है तो आप इसका डिटेल बताएंगे। तो दोनों रिएक्शन सिंपल हैं और आसानी से आप इनको याद कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद।